सो आइए, हमारे पास डेटा एनालिसिस का दूसरा सेट है, राइट। इसमें पास की जगह फेलियर्स का डेटा दे रखा है। कैसे किया जाए सोचते हैं। मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि जिसकी भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, आप वेन डायग्राम उसी का बनाएं। पहले वाले क्वेश्चन में पास की इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी, हमने पास का बनाया। इस बार मैं फेल का बनाऊंगा। टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 100% लोग होते हैं। परसेंटेज में टोटल हमेशा 100% ही होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? हिंदी और अंग्रेज़ी। ये रही हिंदी और ये रही अंग्रेज़ी, ठीक है भैया। 40% लोग हिंदी में फेल हुए। बिल्कुल सही दे रहे हैं, ये हिंदी में ही ज़्यादा लोग फेल होते हैं, ठीक है। 30% लोग अंग्रेजी में फेल हुए। सही है, डेटा बिल्कुल सही है। एंड 10% फेल इन बोथ, यानी 10% लोग दोनों में फेल हुए, तो यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो, यहाँ के बारे में मैं क्या इंटरप्रेट करूँगा? बिना कुछ और पढ़े लिखे मैं इसके बारे में क्या जानकारी लूँगा? मैं सबसे पहले इसके बारे में ये जानकारी लूँगा कि सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले लोग 30% हैं और सिर्फ अंग्रेजी में फेल होने वाले लोग 20% हैं। यानी टोटल जो हमारे पास संख्या है जो फेल हो रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट में, एक से अधिक सब्जेक्ट में, वो कितने हैं? 40+20 20%। 60% लोग हमारे पास ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। यानी ऐसे हमारे पास 40% लोग होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे, जो फेलियर्स के बाहर हैं। ये जो हमने वेन डायग्राम बनाया है, ये किसका बनाया है? हमने फेलियर्स का बनाया है, फेल का बनाया है, क्योंकि उसी का डेटा ज्यादा दे रखा था। जिसका डेटा ज्यादा है उस पे बनाओ ना, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ जरा पढ़ते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टूडेंट में ये DU एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट कितने प्रतिशत लोग दोनों में पास हुए हैं? 40% लोग पास हुए हैं। व्हाट परसेंटेज पास ओनली इन वन सब्जेक्ट? एक ही सब्जेक्ट। भाई देखो, जो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो एक सब्जेक्ट में पास भी तो हुआ है। यानी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं? 30 और 20। 50% लोग एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, राइट। तो 50% लोग कौन होंगे? जो एक सब्जेक्ट में पास होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तुम इस बात को ऐसे भी देख सकते थे कि 100% में से 40% लोग वो हैं जो दोनों में पास हो गए और 10% लोग वो हैं जो दोनों में फेल हो गए। यानी जो बचे हुए 50% लोग हैं वो कौन हैं? किसी एक में तो पास हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में पास हुआ है दूसरे में फेल होगा ही होगा, ओके। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट? कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं? तो बहुत आसान है ये। तो क्या करो, दोनों में फेल होने वाले घटा दो, 100 में से 10% घटाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, मतलब देखो, अभी एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले जो होते हैं ना, इसमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, राइट। मेरे परिवार में ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक रोटी खाते हैं? तो मैं उनको भी काउंट करूंगा जो एक खाते हैं, दो खाते हैं, तीन खाते हैं, चार खाते हैं, सब अलाउड है, ठीक है। बस एक से कम, यानी कि जो जीरो खा रहा है या एक से कम खा रहा है, उसको नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक है, दे हैव पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, जो दोनों में फेल हुए उसको हटा दिए, बाकी सबको काउंट कर लिया। समझे कि नहीं? ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास? 90%। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल ओनली इन वन सब्जेक्ट? एक ही सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग कितने लोग हैं? अभी बताने की जरूरत है क्या? जब एक ही सब्जेक्ट में पास होने वाले 50 हैं तो एक ही सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे? 50 ही होंगे। व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट? कम से कम एक में फेल हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं? अब जो एक में फेल हुए हैं उनको भी काउंट करेंगे, जो दो में फेल हुए उनको भी काउंट करेंगे, सिर्फ पास वालों को काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या बोलोगे? 60% बोलोगे? नहीं बोलोगे। आंसर क्या बोलोगे? 60% बोलोगे, ठीक है। आओ जरा आंसर देखे किस किस का सही है, राइट। सर, 12 इज नॉट, 12 इज नॉट, 12 इज नॉट, 13 नॉट। हाँ आओ अभी देखते हैं भाई, जरा तुम लोगों का आंसर चेक करें। 11th का बी तुमने बोला था सही है, इसका सेकेंड का तुमने डी बोला था, 55% मेरे ख्याल से गलत है, उस अगले का भी डी मेरे ख्याल से गलत है, और वैसे भी परसेंटेज कभी 100 से अधिक हो सकता है क्या भैया? क्या परसेंटेज कभी 100 से अधिक हो सकता है? आंख बंद करके भी अगर तुक्का लगाऊंगा ना तो कभी 100 से अधिक वाले को आंसर नहीं लगाऊंगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट? द परसेंटेज कैन नेवर बी मोर देन 100 व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। कभी भी नहीं मार्क करना चाहिए था तुम्हें 110, 120, ये तो मार्क करने वाली बात ही नहीं थी भैया, राइट। उसके बाद आप 14 का कह रहे हैं सी, वो भी गलत है। कहाँ गड़बड़ी हो रही है? अगर तुम्हें समझ में आया तो बढ़िया, और नहीं समझ में आया तो पूछो, माइक ऑन करो या चैट बॉक्स में पूछो, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ।